हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। माय नेम इज गोलू। आज का टॉपिक है ट्राई टू। कल आपने हमसे बिल सीखा था, यानी बिल में ट्राई टू कैसे यूज करते आपने हमसे ये सीखा था। और आज का भी टॉपिक है आपका ट्राई टू, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं सीखा है अभी कि हम ट्राई टू कैसे यूज करते हैं कैन और सुड में। मैनी पीपल स्पीक ट्राई टू, कैन में भी यूज करते हैं और सुड में भी यूज करते हैं। बस इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और हमेशा के लिए डाउट आपको क्लियर, यानी कि आज ही सीखो और हमेशा के लिए अंग्रेजी बोलो। चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्या लिखा है कन्वेक्शन। मैंने आपको बताया था कि कैन का हम यूज कहाँ करते हैं, ये क्या लिखा है कैन। कैन का हम यूज करते हैं क्षमता और कैपेसिटी के लिए। जैसे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, तो हम वहाँ कैन यूज करते हैं अंग्रेजी के बोलचाल में। जैसे मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, होती है क्या है, ये आपकी क्षमता यानी कैपेसिटी है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, मैं उसको मार सकता हूँ, ये सब क्या है, आपका क्षमता है, कैपेसिटी है। मैं 50 किलो की बोरी फेंक सकता हूँ, ये क्या है, आपकी कैपेसिटी यानी क्षमता है। इसी तरह एक मित्र है, उसने बोला कि ये बताओ क्या आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि भाई अगर नहीं कोशिश करोगे तो आपको क्लास में क्या होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अगर अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो दिक्कत तो होगी ही, जब सामने वाला मित्र बोल रहा है आप नहीं बोल रहे हो तो क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो आपने बोला कि कोई बात नहीं, हमें भी बोलना, मैं कोशिश कर सकता हूँ अंग्रेजी बोलने की। तो क्या है, मैं कोशिश कर सकता हूँ अंग्रेजी बोलने की, आई कैन। अब क्या लगाना है आपको, कुछ करना नहीं है, क्या है ट्राई टू, बस इसे ही पार्ट को आप उतार दो। आई कैन ट्राई टू एक्शन, जो भी आपका एक्शन है यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं नौकरी पा सकता हूँ। आई कैन ट्राई टू गेट अ जॉब, मित्र ने बोला ये बताओ भाई तुम इतने दिन से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो यार, तुम गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करो, कम से कम नौकरी पा सकते हो, ऐसा तो है नहीं, तुम्हारी अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई भी है और डिग्रियाँ भी है और अच्छा आपको नॉलेज भी है। उसने कहा कि भाई चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूँ नौकरी पाने की। तो कैसे बोलोगे, आई कैन ट्राई टू गेट अ जॉब, ऐसे बोल सकते हो। अगर कोशिश नहीं कर सकते हो तो ये भी बोल सकते हो। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कांट, आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैंने बोल बताया था कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होती कांट। तो आप यहाँ पर यूज चाहे ये करिए, चाहे कैन नॉट या फिर I can't try to action, जो भी आपका एक्शन है आप लिख लीजिए। आई कॉन्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ। मैं नौकरी पाने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ। मैं शादी करने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ। आई कॉन्ट ट्राई टू मैरी, ये भी हो सकता है, ठीक है। मैं अमेरिका जाने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ। मैं पैसे कमाने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ। ऐसे आपको बनाना है, वेरी इजी, कुछ करना नहीं। अगर क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं कि आप क्वेश्चन में कैसे बनाओगे, कुछ करना नहीं है, कैन को पहले ला दीजिए, यू लगा दीजिए, कैन यू, अब लिखिए ट्राई, कैन यू ट्राई टू एक्शन, वेरी इजी है। जो भी आपका एक्शन है, क्या आप पूछने की कोशिश कर सकते हो, एक्शन आपका है आस्क, कैन यू ट्राई टू आस्क। आई कैन ट्राई टू आस्क, मैं पढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो क्या है, अगर आपके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, तो कोशिश कर सकता हूँ। आई कैन टीच, मैं पढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर मैं पढ़ा सकता हूँ तो आई कैन टीच, लेकिन मैं पढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ तब बोलोगे आई कैन ट्राई टू टीच, नहीं कर सकता हूँ, आई कॉन्ट ट्राई टू टीच, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, वेरी जी। क्या अगर सामने वाला मित्र है, उसने ये बोला भाई ये बताओ क्या तुम पढ़ाने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। तो यही है कि आ है सोलूशन कि आप बच्चों को पढ़ाइए, ताकि अब अगर आप नीचे लेवल वालों को पढ़ाते तो आपका भी खर्चा भी चलेगा। क्या आप पढ़ाने की कोशिश कर सकते हो, जी बिल्कुल कर सकता हूँ, तो कैसे बताओगे, आई कैन ट्राई टू टीच, ऐसे बोल सकते हो। नहीं, मैं अगर नहीं कर सकते हो तब कैसे बोलोगे, आई कॉन्ट ट्राई टू टीच, ये बोल सकते हो। क्या आप शॉर्ट हैंड पढ़ाने की कोशिश कर सकते हो, कैन यू, लिखिए कैन यू ट्राई टू टीच शॉर्ट हैंड, मैं शॉर्ट हैंड सीखने की कोशिश कर सकता हूँ। आई कैन ट्राई टू क्या, लर्न शॉर्ट हैंड। अगर मैं कहूँ कि नहीं कोशिश कर सका हूँ, आई कॉन्ट ट्राई टू, ये होगा उसके अगर जो आपका एक्शन है लिख सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे व्यक्ति के लिए, ये आपने सीखा यू वाले के लिए यानी अपने के लिए, जैसे सामने वाले पूछने के लिए। अब बात करते हैं तीसरे व्यक्ति के लिए, क्या वह कोशिश कर सकता है, कुछ करना नहीं है, कैन लिखिए, कैन ही ट्राई टू एक्शन, वेरी इजी है, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। वह कोशिश कर सकता है पढ़ाने की, कुछ करना नहीं है, ही कैन ट्राई टू क्या है, एक्शन क्या है, टीच, ही कैन ट्राई टू टीच, एक्शन आपका जो भी है आप लिख सकते हो। वहाँ पढ़ाने की कोशिश नहीं कर सकता है, ही कॉन्ट ट्राई टू टीच, तो आप कैसे लिखोगे, ही कॉन्ट
ट्राई टू एक्शन, वेरी इजी, ऐसे आपको बताना है तो आपको समझ में आएगा श्योर। यानी आप जब सामने वाले से अगर कहने में अगर आपकी बनाना हो, यानी क्या एक्शन अगर लगा के आप ट्राई टू, यानी प्रयास होता है ना, ट्राई टू मीन्स होता है प्रयास से कोशिश करना। जब भी आपको अंग्रेजी वर्ड बनाना हो कहन में, यानी क्षमता और कैपेसिटी में, तो आप बस इसी तरह बना के बोल सकते हो। बहुत ईजी है, ऐसे ही आपको बोलना है, नहीं आपको ये पकड़ना सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही बोलते हुए आप चले आइए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टुमारो आई विल टीच यू सूड, और सूड में भी हम यूज करेंगे ट्राई टू। थैंक यू।